दिस इज कैलाश एंड वेलकम अगेन टू माई यूट्यूब चैनल। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, देन शो दैट एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल टू 3xyz। अगर हमें ये वैल्यू जीरो दे रखी है तो हमें शो करना है इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। सो इसके अंदर हम क्या फॉलो करेंगे, ये आइडेंटिटी फॉलो करेंगे, फॉर्मूला फॉलो करेंगे हम इसमें। फॉर्मूला क्या है हमारा, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। अब हमने यही फॉर्मूला क्यों पुट किया, क्योंकि इसके अंदर ये जो हमें दे रखा है ये वाला सिर्फ इसी फॉर्मूले के अंदर आता है। सो हमने ये फॉर्मूला पुट किया, बट हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तो ये दे रखा हमें, इसकी जगह पे हम जीरो पुट करेंगे। सो ये आ जाएगा हमारा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमें जीरो हो जाएगी। और इनटू में हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो आ जाएगा। जीरो के साथ किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आ जाता है। ओके सो ये हो गया हमारा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, ये पूरा जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा जीरो हो जाएगा। सो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, ये माइनस 3xyz है, इसको उस साइड लेके जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा 3xyz। सो यही मैं प्रूव करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। जो फॉर्मूला दे रखा उसमें उसकी वैल्यू पुट करो और इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है माइनस 12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। हमें सिंपल इनकी कैलकुलेटिंग नहीं करनी, किसकी क्यूब देर की इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सोल्व नहीं करना है इसको, दूसरे तरीके से शॉर्टकट यूज करना हमें। तो ये हम इसको हम क्या मान के चलते हैं, ये x की क्यूब, ये y की क्यूब, ये z की क्यूब, जो अभी हमने प्रूव किया है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब, अभी जो हमने 13 क्वेश्चन किया उसमें हमारा ये आया था, बट उसमें हमारी कंडीशन थी कि x प्लस y प्लस z जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर लेते हैं, ये x, ये y और ये z। नाउ हम चेक करते हैं x प्लस y प्लस z, x है हमारा माइनस 12 देन माइनस 12, y है प्लस 7 और z है प्लस 5, माइनस 12 और 7 प्लस 5 12, ये प्लस का है माइनस का, ये हमारा जीरो हो गया। इट मीन्स हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इसके इक्वल होता है 3xyz, 3 और x हमारा क्या है माइनस 12, वाई हमारा 7 और जेड हमारा 5, तो इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1260। अब देखो यहाँ पे एक माइनस है, ओनली सिंगल माइनस है, सिंगल है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सो हमारा सेकंड पार्ट है 28 की क्यूब प्लस माइनस 15 की क्यूब प्लस माइनस 13 की क्यूब। सेम ऐसे आएगा ये, पहले हम कंडीशन फॉलो करेंगे, ये भी क्यूब में दे रखा है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। कंडीशन देखते हैं x प्लस वाई जेड हमारा जीरो है कि नहीं, अगर जीरो है तभी हम इस रूल को फॉलो करेंगे। सो क्या हमारा x क्या है 28, y क्या माइनस 15 और z क्या माइनस 13। सो ये हो गया 28 और 15 और 13 दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 28, ये दोनों कट के जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सो इसमें हम फॉलो कर सकते हैं, ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, ये एक्स होगा, ये वाई और ये जेड, इस किसके इक्वल होता है 3xyz। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 28, वाई की वैल्यू है माइनस 15 और जेड की वैल्यू है माइनस 13। सो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसमें डबल है तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और इन सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16380। सो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर। ये हमें एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, हमें क्या निकालना है इसके डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेथ निकालने की, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। सो हमें एरिया दे रखा है तो हमें इसका फॉर्मूला तो पता ही होता है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहले वाली वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं कि उनको कैसे सोल्व करते हैं, फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, जो फर्स्ट जो पार्ट होता है उसका और लास्ट का जो कोफिशियंट होता है उन दोनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाला फैक्टर देखेंगे, फिर बीच वाला प्लस या माइनस करके और लास्ट वालों के दोनों की मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालेंगे। सो 25 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 300, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, तो 300 के हम फैक्टर करेंगे। ज्यादा जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम फैक्टर के थ्रू निकालेंगे, छोटी वैल्यू को हम वैसे भी इजीली प्लस माइनस करके देख सकते हैं। सो इसके फैक्टर होंगे, पहले जाएगा 2 से जाएगा, ये होगा 150, फिर 2 से जाएगा, फिर होगा ये 75, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 25, अब 5 से जाएगा। सो इसके फैक्टर हो गए हमारे ये। अब इनमें से ये देखो कि प्लस माइनस करने के बाद हमारा माइनस 35 आना चाहिए, सो किस किस से आ सकता है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, एक तो 12 हो गया हमारा, 5 5 जा 25, एक 25 हो गया। क्या इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या 35 आएगा, नहीं ये हमारा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर इनको प्लस करते हैं तो बहुत ज्यादा था, और माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 13 आ रहा, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ऐसे हम इन सबको कैलकुलेट करके देखेंगे। ओके अब देखो, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 5 3 जा 15, एक 20 और एक 15, तो इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद क्या 35 आता है, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35 आएगा, 20 प्लस 15 होता है 35, तो हमारे फैक्टर क्या आएंगे, 20 और 15। सो इनको हम यहाँ पे स्प्लिट करके लिखेंगे 35 इस फॉर्म में, तो हमारा हो जाएगा 25 a square as it is। अब 35 को इसमें स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस 20 a और माइनस 15 a। अब दोनों को माइनस क्यों लिया है, क्योंकि माइनस माइनस में अगर दोनों लेंगे माइनस 20 और माइनस 15 तो एडिशन में माइनस 35 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो और लास्ट में हमारा 12। सो इसको हम सोल्व करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 और a, 5 5 जा 25 5 a बच गया, यहाँ पे 5 4 जा 20 माइनस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 15 a plus 12 है, तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3, अब 3 5 जा 15 a, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 a minus 3 4 जा 12। सो हमारे फैक्टर हो गए 5 a minus 4, दूसरा 5 a minus 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म है, इट मीन्स ये हमारी लेंथ होगी और ये हमारी ब्रेथ होगी। सो पॉसिबल एक्सप्रेशन हमारे क्या हो गए, ये एरिया दे रखा था रेक्टेंगल का और ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया यही आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो ये लेंथ है हमारी, ये ब्रेथ है, कैसे भी कर सकते हो, इसको लेंथ बोल सकते हैं, इसको ब्रेथ बोल सकते हैं। सो ये मैं निकालना था, लेंथ और ब्रेथ। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। नाउ हमारा इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें एरिया दे रखा ये, अब हम इसको भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको भी सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही कहेंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 420, और 420 की फैक्टर मैंने ऑलरेडी कर दिया, ये इसके फैक्टर होंगे। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि हमारे पास 13 आ जाए प्लस माइनस करके। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35, क्या 12 और 35 को प्लस माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 23 आ गया। सो सेकंड है हमारे पास 2 2 जा 4 4 7 जा 28 2 2 जा 4 4 7 जा 28 और 5 3 जा 15
8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, सो हमारे पास फैक्टर आ गए 28 और 15। सो यहाँ पे हम स्प्लिट करके लिखेंगे 28 और 15 की फॉर्म में। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे लिखते हैं हम इसको 35y का स्क्वायर। अब हम माइनस में लिखेंगे इसको, तो हमारे पास क्या कैसे लिखेंगे इसको, प्लस 28y माइनस 15y और माइनस 12। अब यहाँ पे ये मैंने प्लस का लिया, ये माइनस का, क्यों, क्योंकि हमें माइनस करना था, तो ये प्लस का ये माइनस का, तभी तो 13 आएगा। और सेकंड हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस है, तो माइनस में आने चाहिए, तो एक हमारा माइनस का होना चाहिए। सो 28 और मल्टीप्लाई में माइनस 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 420। सो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा 7y, 7 5 जा 35, 5y हो गया यहाँ पे, 7 4 जा 24, और इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3, 3 5 जा 15 y और 3 4 जा 12। सो हमारे दो फैक्टर क्या आ गए, 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4, ये मैं निकालना था, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला, तो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम यही आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो अब हम करते हैं इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हूज वॉल्यूम आर गिवन। अब की बार हमें रेक्टेंगल की जगह क्यूबॉइड दे रखा है और उसका वॉल्यूम दे रखा है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है। सो वॉल्यूम हमारी होती है इसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और वॉल्यूम हमें दे रखी है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सो इसको हम सोल्व करते हैं, क्वाड ये हमारी इन दोनों में से किस फॉर्म में दे रखी है, ये किसी फॉर्म में दे ही नहीं रखी, क्योंकि इसमें से इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, सो इसमें से हम कॉमन लेके कर सकते हैं, तो ये हमारा दे रखा 3x2 - 12x, तो इसका कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है वो लेंगे हम, इन दोनों में से कॉमन आता हमारा 3x बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे 3 4 जा 12। सो हमारा क्या बन गया, ये यहाँ पे 3 × x − 4, ये मैं निकालना था, ये हमारी होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ और ये होगी हाइट, तीनों मल्टीप्लाई में, तो से इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो इसके डायमेंशन निकालने थे हमें, तो लेंथ होगी 3, ब्रेथ होगी x और हाइट होगी x − 4। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो हमारे सेकंड पार्ट में वॉल्यूम दे रखी है 12 ky² + 8 ky − 20 k, सो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये हमें दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, जो हमें 13 क्वेश्चन में सोल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस फॉर्म में करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये देखो, इन पूरी क्वेश्चन में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ये 12 है, ये यहाँ पे 8 है, 20 है, तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है हमारा 4, और साथ में हमारा k, तो इसमें से 4 के कॉमन ले लिया हमने, इसमें से 4 के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 3 जा, और उस साथ में क्या y² 3y² 4 3 जा 12 प्लस में 4 2 जा 8, के निकाल लिया हमने तो बचा हमारा y, माइनस में 4k 4 5 जा 20 और k हमारा 12 है, तो ये हमारी क्वेश्चन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने 13 क्वेश्चन में सोल्व किया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, एक तो हमारा हो गया 4k, इसको हम बाहर ही रखेंगे। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें करने के लिए पता होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, और बीच वाले को प्लस माइनस सोल्व करके ये वाला आना चाहिए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, माइनस 15 आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हमारे पास माइनस 15 आनी चाहिए। अब ऐसे कौन से फैक्टर लेंगे हम कि मल्टीप्लाई माइनस 15 आ जाए और प्लस माइनस करके हमारे पास 2 आ जाए, सो फैक्टर हो गए हमारे पास 5 और 3 5 × 3, 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा हमारे पास, तो इसको हम एडजस्ट करके कैसे लिखेंगे, 3y² इसको स्प्लिट करेंगे 2y को, प्लस 5y और माइनस 3y। अब 5 3 जा −15 हो गया, एक प्लस का एक माइनस का हो गया, और 5 − 3, 5 में से 3 गया, बचेगा हमारे पास 2, माइनस में 5। अब इसके फैक्टर निकालेंगे 4k 3y² + 5y, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, ओनली y आ रहा है, तो इसको y एज इट इज, यहाँ पे बचा 3y, यहाँ पे बचा 5,
इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है तो वन ले लेते हैं, माइनस वन, थ्री वाई प्लस फाइव। सो फोर के एक तो ये हो गया हमारा, सेकंड हो गया थ्री वाई प्लस फाइव, और एक हो गया हमारा वाई माइनस वन। सो ये तीन हमारे, ये होगी हमारी लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ये तीनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो ये मेरी वॉल्यूम होती है हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये तीनों मल्टीप्लाई में। सो ये मैं निकालना था, किसके डायमेंशन निकालने थे। तो सो ये हमारी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये हाइट होगी। सो हेयर इज कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।